उपराजधानीत मागील वर्षी शस्त्रविक्रीचे मोठे रॅकेट उघडकीस आले होते. त्यानंतर पोलिसांनी सुटकेचा निश्वास सोडला होता. मात्र मागील आठवड्यात 3 वेळा पोलिसांनी संशयावरून ताब्यात घेतलेल्या आरोपीकडे पिस्तूल व काडतुसे आढळली आहे. बुधवारी सकाळी पाचपावली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पिस्तूल आढळले. तो सुबह हमेशा के जैसे जो पाए गुन्हेगार फरार गुन्हेगार को ढूंढ रहे थे, ढूंढते हुए पेट्रोलिंग करते हुए तो डीबी के साथ में डीबी को खबर मिली है कि फरार आरोपी है मोहम्मद नदीम उर्फ शानू, आसीनगर में रहने वाला. वो आसीनगर ग्राउंड के बाजू में आने वाला है और ब्लैक टी शर्ट ब्लैक लोअर लगा के है, उसके साथ में कमर में पिस्टल है, ऐसी खबर मिली थी. तो उसका हमारी गाड़ियाँ दूर रख के हम छुप के रहे थे. जिस तरह वो खबर मिली थी, खबर के हिसाब से वो आदमी मिला तो उसको पकड़ लिए. उसको कमर में एक पिस्टल मिली थी. वो बेलतरुड़ी और गणेशपेट के गुने में भी वो वांटेड था. तो उसके ऊपर पिस्टल रिकवरी करके पंच के सामने जब्त किया और 325 का गुना दाखिल कर दिए. और ये मार्गदर्शन हमारा पुलिस आयुक्त साहब, सहायक मैडम और रीजन सर, डीसीपी सर, एसीपी मैडम, उनके मार्गदर्शन में एक मेरी डीबी ने कार्रवाई की है और आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए पीसीआर भेज रहा हूँ.